हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ। आज की वीडियो हमारे विकास पूरे क्रिकेट कोचिंग सेंटर पर है। इस वीडियो में मैं आपको इस एकेडमी की एज लिमिट, फीस और फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एकेडमी से कौन सा प्लेयर सक्सेस हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बहुत गरीब है और वह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वह महंगी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी क्रिकेट एकेडमी के बारे में इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस एकेडमी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले इस एकेडमी से कौन सा प्लेयर सक्सेस हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इस एकेडमी से वीरेंद्र सहवाग का नाम जोड़ा जाता है। सबूत के तौर पर आप पहले ये वीडियो देखिए। ये सब ऐसा था कि मैं वो सहवाग के साथ, जो मेरी सबसे बड़ी याददाश्त है कि उसका एटीट्यूड खेलने का, मैं एक बार उसको एक स्ट्रोक सिखा रहा था कि ड्राइव कैसे करी जाती है। उस तो वो एक ऐसा प्लेयर है, जब तक खुद कन्विंस नहीं होगा वो आपकी बात को नहीं मानेगा, चाहे मैं कोच हूँ। तो चलिए, मैं आपको इस एकेडमी के एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। देखिए, इस एकेडमी में 8 से लेकर के 14 साल तक के स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है। देखिए, अगर आपकी ये 14 साल से ऊपर है तो आप भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पर 14 साल से ऊपर वाले बच्चों का भी एडमिशन कर लिया जाता है। तो अगर आपकी ये 14 से ऊपर है तो आप भी यहाँ पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी इस एकेडमी की एज लिमिट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, मैं आपको इस एकेडमी के फीस के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इस एकेडमी में फीस लगती है, ये एकेडमी फ्री नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस एकेडमी में फीस लगती है। इस एकेडमी में फीस बच्चों के टैलेंट के बेस पर ली जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकेडमी गरीब बच्चों के लिए किट वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। तो ये थी इस एकेडमी की फीस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, मैं आपको इस एकेडमी की फैसिलिटीज के बारे में बताता हूँ। देखिए, इस एकेडमी में आपको नेट फैसिलिटीज मिल जाएगी। यहाँ पर एक अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके पीछे मिल जाएगी और यहाँ पर बहुत ही अच्छे कोच मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिकेट के बारे में नॉलेज देंगे और आपको ट्रेन करेंगे। तो चलिए, मैं आपको इस एकेडमी के बारे में कुछ प्लस पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, इस एकेडमी की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस एकेडमी का अपना खुद का ग्राउंड है। दूसरा, यहाँ पर यह एकेडमी गरीब बच्चों के लिए किट वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। तीसरा, इस एकेडमी से सहवाग का नाम जोड़ा जाता है। चौथा, यहाँ पर आपको 15 से 20 बच्चों पर एक कोच मिल जाएगा। और पांचवा, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कोच मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। तो ये थी इस एकेडमी की कुछ प्लस पॉइंट। तो ये थी इस एकेडमी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक बार इस एकेडमी को खुद भी विजिट करना, ताकि आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही, अगर आपको इस एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ से आप इस एकेडमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए लो प्राइस क्रिकेट एकेडमी का पार्ट 1, 2 और 3 बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस हमारी यही तक थी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट है, इसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आने वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।